तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेक्निकल वर्ब में। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं इस बोल्ट ऑडियो ईयरफोन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास है अभी ब्लूटूथ के बोल्ट के ईयरफोन जो काफ़ी अच्छे हैं और मैंने यूज़ भी किए हैं, और मैंने इसे ऑनलाइन बाय किया है। कितने में बाय किया है और कहाँ से ऑनलाइन बाय किया है, सारा डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं इसकी प्राइस एंड में बताऊँगा और प्राइस काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और इस प्राइस में अगर आपने ले लिया तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे ईयरफोन होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरी चैनल पर नए नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग है, यहाँ पे बोल्ट ऑडियो है, ब्लैक कलर के ये एयरफोन है जो मैंने मंगवाए हैं। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया गया है, प्रो बाज कवर, स्टीरियो साउंड, स्वेट प्रूफ और सिक्योर फिट। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, और इसमें फ़ीचर्स क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फीचर्स के मामले में बात करें तो यहाँ पे आपको HD डीप बाज एंड 3D साउंड यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे 1 साल की वारंटी दी गई है, बिल्ट इन माइक का सपोर्ट है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बास का भी यहाँ पे आपको अच्छा साउंड सुनाई देगा। एंड यहाँ पे बिल्ट इन माइक्रो वूफर का भी यहाँ पे सपोर्ट है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और अच्छे से साउंड आपको इसकी मदद से सुनाई देगा। और यहाँ पे देखे तो सारा कुछ ब्रांडिंग ही है, पीछे देखे तो क्या क्या लिखा है मैं आपको सारा कुछ डिटेल वाइज समझा देता हूँ। तो सारा कुछ ब्रांडिंग लोगो वगैरह है, यहाँ पे ईयरफोन का फोटो है, और यहाँ पे बारकोड स्टिकर है, और यहाँ पे सारा कुछ प्रोडक्ट का डिटेल दिया गया है, और MRP यहाँ पे लिखिए 3,499 रुपीज़, यहाँ की 3,500 रुपये का यहाँ पे ये दिखाया गया है, जो इतना प्राइस नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट में। और इसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे मेड इन चाइना में ये बना हुआ है। तो सारा कुछ डिटेल यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो गाइस चलिए अब बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कैसे है ये ईयरफोन। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे निकाल लेता हूँ कि आपको पता ही है मेरे एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है और एक हाथ से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस बॉक्स तो अभी अंदर खाली है, बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं, बट यहाँ पे आपको बॉक्स के पीछे मिल जाता है एक बुकलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉकेट साइज का एक बुकलेट है, इसे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ आपको बुकलेट मिल जाता है, बोल्ट ऑडियो एसेसरीज। और एसेसरीज में यहाँ पे क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं कि अंदर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एक चार्जिंग केबल दिया गया है, आप अपने कोई भी फ़ोन के चार्जिंग से कनेक्ट करके यहाँ पे इसे चला सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये एक केबल छोटा वाला दिया गया है, क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, बट अच्छा है, दिया तो सही है। ओके, और यहाँ पे ईयरबड दिया गया है, आप देख सकते हो कि 2 ईयरबड यानी कि टोटल 4 हैंड्स फ्री ईयरफोन में है, और 2 इसमें है, एक यहाँ पे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये है वारंटी कार्ड, अगर कुछ हो जाता है ईयरफोन में तो आपको ये कार्ड से रजिस्टर करवाना होगा। यहाँ पे 1 साल की वारंटी दी गई है इस ईयरफोन में, ब्लूटूथ ईयरफोन में। और बाकी सारा कुछ बुकलेट गाइड है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारा कुछ इसका प्रोडक्ट का डिटेल है कि इसमें क्या है उसमें क्या है, ये सारा कुछ इतना लंबा लंबा बुकलेट है, आप देख सकते हो कि कितना जो बोल्ट कंपनी का प्रोडक्ट है वो सारा कुछ है। तो ये सारा कुछ इसमें डिटेल दिया गया है, और एंड में ये मेन बुकलेट गाइस की कैसे यूज़ करते हैं, सारा कुछ फीचर्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आप यूज़ करो, म्यूज़िक ट्रैक कैसे चेंज करें, सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल इस बुक में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हो। बाकी कुछ है नहीं है, आप देख सकते हो। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट में। तो दोस्तों मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसे यहाँ पे फिटिंग वाइज आता है, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लास्टिक का एक पूरा का पूरा यहाँ पे फिटिंग वाइज है, और यहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है, और यहाँ पे पीछे देखे तो लोगो है, जो यहाँ पे लोगो है, और ईयरफोन कुछ यहाँ पे ऐसा दिखता है। चलिए इसे निकाल दे, तो इसका जो पैकिंग है काफ़ी सही है, और थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसे, अब इसे अच्छे से निकालना दोस्तों। और चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये है बोल्ट का ब्लूटूथ ईयरफोन। और यहाँ पे आप देखो तो इस भी साइड पे यहाँ पे ब्रांडिंग है, और यहाँ पे आप देखो तो की वगैरह दिया गया है। ये आवाज़ कम करने का, ज़्यादा करने का दो की है, और ये एयरफोन को ऑन ऑफ करने का की है। और यहाँ पे नीचे देखे तो यहाँ पे आप एयरफोन को चार्ज कर सकते हो यहाँ से नीचे से। बाकी इस साइड में कुछ है नहीं, शायद माइक्रोफोन वगैरह होगा, बट इस साइड में माइक्रोफोन नहीं है। यहाँ पे आपको जो माइक्रोफोन है वो मिल जाता है, यहाँ से आप बातचीत कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा फिटिंग का भी यहाँ पे इन लोगों ने ध्यान रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको ज़्यादा वायर का ज़रूरत नहीं है तो इसे आप यहाँ पे अंदर डाल के रख सकते हो। बाकी इसे आप नीचे कर दोगे तो जब भी आपको यूज़ करना है तब इसे आपको नीचे करना होगा, जिससे कि क्या हो कि यहाँ से आप अच्छे से इस वायर को ऐसे निकाल सकते हो। और आपको जब भी यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे आप अच्छे से इसे, यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे कोना दिया गया है, इसमें आप अच्छे से वायर को ऐसे अंदर डाल सकते हो। देख सकते हो यहाँ से ऐसे अंदर ये चला जाएगा। बाद में आपको ऐसे ऊपर लॉक कर देना है, जिससे कि ये जो है लॉक हो जाएगा वायर, और आपका जो वायर है वो कहीं पे भी खींचेगा नहीं। तो ये अच्छी बात है। और देखें तो इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और नॉर्मली अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप इसे गले में डालोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई भी ईयरफोन वगैरह पहना है, इतना हल्का है। और हल्का यानी कि हल्का अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। और यहाँ पे आप देखो तो ईयरबड कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, और ये आपको एक स्टील का फीलिंग देता है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे लोगो है, और कुछ ऐसे आपको ये एयरबड देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें साउंड की क्लियरिटी की, तो गाइस साउंड काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका साउंड। और आप इन दोनों को, दोनों का इस जो दोनों एयरबड को आप अपने कानों में डाल दोगे तो आपको आजू बाजू की कोई भी वॉइस नॉइस कुछ भी सुनाई नहीं देगा, इसका ही साउंड सुनाई देगा। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन बिल आपको ऐसे कुछ एयरबड देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप इसे यहाँ पे आप लगा सकते हो कुछ, यहाँ पे इसमें अब यहाँ पे दूसरे भी ये है वो फिट कर सकते हो अपनी तरीके से। सो दोस्तों कुछ यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये बोल्ट कंपनी का जो एयरफोन है, और मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बैटरी के मामले में अगर नॉर्मल यूज़ करते हो तो शायद आपके 5-6 दिन निकल जाते हैं, इवन नॉर्मली मैं बात करता हूँ, नॉर्मली थोड़ा थोड़ा। अगर आप एक ही साथ गाना सुनते हो तो एक या 2 दिन तक का निकल जाएंगे। और बाकी इतना मैं सुनता नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ अगर लेते हो तो यूज़ करके मुझे बताना। और इसे चार्ज करना है तो आप इवन एक साथ 2-3 घंटे इसे रख सकते हो, ज़्यादा मत रखना, बट 2-2 3-3 घंटे ही आप इसे चार्जिंग में रखना है, जिससे कि बैटरी इसका अच्छा रहे। बाकी आप समझते होगे कोई भी इसे प्रोडक्ट को आपको ज़्यादातर के 5-6 घंटे नहीं रखना है, बाकी तो 2-3 घंटे नॉर्मली आप इसे चार्जिंग में लगा सकते हो, जैसे कि ये अच्छे चार्ज हो जाए। ओके, बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्ट एक हल्का फुल्का आपको गले में महसूस ही नहीं होगा कि आपने इस एयरफोन को लगाया है। और साउंड के मामले में काफ़ी अच्छा साउंड है, इसके कंट्रोल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे है, स्मूथ है। इसका की है वो भी आपको काफ़ी एक अच्छा फीलिंग देगा, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं मैंने इसे कहाँ से परचेस किया है। दोस्तों मैंने ये फ्लिपकार्ट के सेल में परचेस किया है, जहाँ से मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। मैं कितना डिस्काउंट मिल रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली फ्लिपकार्ट में 799 तक डिस्काउंट नॉर्मली फ्लिपकार्ट का मिल रहा था, और इवन फ्लिपकार्ट का पे लेटर मैंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, तो उसका मुझे 150 रुपये डिस्काउंट मिला। तो कम से कम ये मुझे एयरफोन पड़ा 679 या कि 675 रुपये में मुझे ये एयरफोन पड़ा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बिल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका है बिल। यहाँ पे आप देखो तो नीचे का अमाउंट, यहाँ पे 675 रुपये में मुझे ये पूरा एयरफोन बोल्ट ऑडियो प्रो बॉक्स का मुझे पड़ा है, जो काफ़ी अच्छी प्राइस है दोस्तों। आप सुनो तो, क्योंकि 600 या 700 रुपये में ये एयरफोन मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी भी सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट में, तो अगर आपने लिया नहीं है तो जाइए इसे ले लीजिए, काफ़ी अच्छा ये एयरफोन है जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। ये थोड़ा सा साइड में चला गया। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा एयरफोन है ब्लूटूथ का, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। आपको 1 साल का वारंटी भी देता है, और वारंटी आप इजीली ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो, जैसे कि मैंने जो पहले मैं जो
जो मैंने पेट्रोन का आपको क्लेम करना सिखाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वैसे ही इसका भी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हो, लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लीजिए, काफ़ी अच्छा ये आपको मिल जाता है बोल्ट का ऑडियो एयरफोन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है गाइस? अच्छा लगा है लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।